तो मुंबई हीरोज के कप्तान के आउट होने के बाद शब्बीर आलूवालिया आते हुए मैदान में, और ये ऐसे खिलाड़ी है जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। बढ़िया स्ट्राइकर है, लंबे लंबे शॉट्स लगाते हैं, और शायद सही वक्त है सिद्धार्थ इनके लिए आने का बैटिंग करने के लिए। और शब्बीर आलूवालिया की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है अमंग्स टीवी व्यूअर्स एज वेल। मेरी माता जी इनकी बड़ी फैन है। बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, अच्छी अपील भी, पर मुझे लगा थोड़ा सा इंपैक्ट जो है वो ऑस्टम के बाहर था, बाल बाल बचे। शब्बीर आलूवाली अपनी पहली गेंद का सामना करते हुए, और क्या यहां पे रेफरल का प्रयोग करेंगे अब, ये भी दिलचस्प रहेगा। और मुझे लगता है शायद सोनू सूद से पूछ रहे हैं, जो गेंदबाज हैं ढिल्लों, वो सोनू सूद जो कप्तान से पूछ रहे हैं कि क्या रेफरल लें। और जी हां, रेफरल का प्रयोग कर रहे हैं यहां पे। क्या लगता है सिद्धार्थ, क्या लगता है? What a tentative stroke by Shabbir Ahluwalia, but धड़कने बढ़ रही हैं। देखिए, मेरी जो पहली प्रतिक्रिया थी वो ये थी कि थोड़ा सा इंपैक्ट जो है ऑस्टम के बाहर, पर ये स्पष्ट करेगा। पहले देखिए, बिल्कुल सही गेंद, लीगल गेंद, नो बॉल नहीं है, तो बिल्कुल सही डिलीवरी है। पर अब ये देखना होगा इंपैक्ट कहां पे हुआ था, गेंद कहां पे लगी। और शब्बीर आलूवालिया बहुत अनकंफर्टेबल दिख रहे थे इस स्ट्रोक में। जी, ये देखिए, ये लाइन जो थी गेंद की ऑस्टम के बाहर पड़ी, और जी हां, मुझे लगता है कि बच गए यहां पे। मुझे लगता है नॉट आउट ही निर्णय रहेगा, जो यहां से हमें प्रतीत हो रहा है सिद्धार्थ, ऐसा लग रहा है कि इंपैक्ट जो है वो ऑस्टम के बाहर है। अगर शब्बीर आलूवालिया आउट हो गए तो इंपैक्ट मेरे घर में बहुत होगा। आप माता जी की बात कर रहे थे, जो आप इनकी बहुत बड़ी फैन है, कहीं ना कहीं अब ये प्रोड्यूस भी करते हैं काफी सीरियल्स को, और फिल्में भी प्रोड्यूस कर रहे हैं अपूर्व लाखिया के साथ। जी हाँ, बट मुंबई हीरोज में एक और बहुत स्टड प्लेयर है, वो है अपूर्व लाखिया। और शब्बीर और अपूर्व आपस में खेलते हैं क्रिकेट रविवार को, हर सुबह, हर रविवार को 8 बजे सुबह। देखिए, थोड़ा लंबा कदम भी आगे निकाला, तो एक स्ट्राइड भी आगे निकाली थी, पहली गेंद का सामना कर रहे थे शब्बीर। पर बात यह है कि इस एंगल से ज्यादा मुझे लगता है जो फ्रंट एंगल है वो थोड़ा स्पष्ट कर रहा है, ये जो एंगल है ज्यादा स्पष्ट कर रहा है कि जो इंपैक्ट है वो ऑस्टम के बाहर हुआ है, तो इसको आउट करार देना बहुत कठिन है। थर्ड एम्पायर अब निर्णय लेंगे। और देखिए, पीछे के पैड पर लगी है गेंद, ये आगे के पैड पर नहीं लगी। आगे का जो पैड है वो गेंद ने मिस कर दिया, और जो पीछे का पैड है सिद्धार्थ को शफल करके लगभग ऑस्टम के बाहर आ चुका है। पंजाब दे शेयर डेस्परेटली नीड अ विकेट नाउ। ऐसा लग रहा है नॉट आउट होना चाहिए, और शायद वो ही निर्णय है थर्ड एम्पायर का। तो ऐसे सिचुएशंस में बॉलिंग टीम के दिमाग में क्या चल रहा होगा? मुझे लगता है खाली यही है सिद्धार्थ कि आप इसी जगह पे गेंदबाजी करें, क्योंकि आप लगभग आपको विकेट मिल गई थी, तो उसमें ज्यादा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, बेसिक्स आप सही रखेंगे, सिंपल रखेंगे तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए। और बिल्कुल उस डिसीजन को नकारा, तो सही निर्णय कहना होगा थर्ड एम्पायर का। और अंपायर अजय मेहरा का डिसीजन भी सही निकला। धन्यवाद सिद्धार्थ, आपकी आवाज बदल जाती है, मॉड्यूलेशन बदल जाती है। हाँ सर, मैं भी बॉलीवुड स्टार बनना चाहता हूं। 10 ओवर के बाद 106 पे 2, सुरक्षित फील्ड। ये देखिए, ये मैं जिकर कर रहा था, उठा के खेला 4 रन। ये दूसरी गेंद है, पहले में बाल बाल बचे, पर दूसरे में जो गेंदबाज है उसको नसीहत देते हुए। और शब्बीर को अपना फ्लैम्बॉयंट स्टाइल मेंटेन करना चाहिए, जो नेचुरली आती है उनको, उसी पर उनको टिकना चाहिए। इनिशियली वो आए बड़े टेंटेटिव खेल रहे थे, अब लग रहा है कि वो अपने हार्ड हिटिंग स्टाइल पर घुस चुके हैं। और बड़ी चीज ये भी है कि आप रूम नहीं दे सकते, या तो आप जगह देंगे उनको हाथ खोलने के लिए, फिर आपको खमियाजा भुगतना होगा। और अब जो खिलाड़ी मिड ऑफ था वो भी पीछे जाता हुआ, तो फील्ड ने बदलाव करते हुए सोनू सूद, जानते हैं सोनू सूद ने इस टीम के लिए काफी मुकाबले खेले हैं मुंबई हीरोज के लिए। और एक मुकाबला मुझे याद है सिद्धार्थ, जब हम दुबई में थे और सोनू सूद फील्डिंग कर रहे थे और चोटिल हो गए, और उसका फ्रैक्चर हो गया, उनका स्ट्रेचर पे आए
मुझे लगता है मुंबई आए, फिर उनका ऑपरेशन भी हुआ और पूरी टीम ने उनको बैक किया। इस बार कट किया, अच्छी फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग, यहां पे कम से कम 3 रन बचाए। सोनू सूद बतौर कप्तान आगे से लीड करते हुए, आज गेंदबाज में थोड़े महंगे साबित हुए पर होता है कई बार क्रिकेट में। पर शॉट देखिए कितना लेट खेला, एक बार फिर ये क्षमता है राजा भिरवानी में, पर बहुत बढ़िया फील्डिंग, एक हाथ निकाला और निश्चित तौर पे वहां रन बचाए। रजिंदर मुश्किलें हैं जरूर पंजाब टीम के लिए, इतना आसान नहीं। और अगर आप पार्ले क्राउड की बात करें, जो दर्शक आए हुए हैं यहाँ मुकाबला देखने के लिए, पूरा मजा ले रहे हैं, जिसको कहते हैं पैसा वसूल होता हुआ। बिल्कुल अजय, आपने ठीक बोला, पूरी तरह पैसा वसूल हो रहा है, एंटरटेनमेंट बेशुमार यहाँ पर। और पंजाब थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई यहाँ पे, जरूर एक अच्छी गेंद, बहुत अच्छा टप्पा और भारी किनारा बल्ले का ले जाता, लेकिन थोड़ा सा रह गया। पंजाब यहाँ पे विकेट चाहती है क्योंकि एक फ्लाइंग स्टार्ट मिला है मुंबई को यहाँ पर 112/2। आई थिंक कोई भी टीम इसको कभी भी लेगी एक अच्छे टोटल की तरह। या बिल्कुल, और कहते हैं थोड़ा सा किस्मत ने भी साथ दिया है, कई बार ऐसे मौके थे जब गेंद बल्ले के बहुत करीब थी, भारी किनारा इन लगा, और कहते हैं भाग्य भी वीरों का साथ देता है। आप बताओ सुपर फैन कॉल भी कर सकते हैं 5333599 पे और 1,00,000 कैच जी सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे एक बड़ा शॉट, खिलाड़ी नीचे आता हुआ, पर कठिन, पर 6 रन मिलेंगे, हाथ लगा, गेंद सीमा रेखा के बाहर गई और 6 रन और मिलते हुए, और पूरे खेमा मुंबई हीरोज का काफी खुश। मुंबई मुंबई मुंबई, बेहतरीन शॉट, 6 रन मिले, शानदार छक्का, गगनचुंबी छक्का। एफर्ट जरूर किया था पंजाब के फील्डर्स ने, लेकिन कैच पकड़ ना पाए। और यहाँ पे सुहेल खान, बॉबी देओल बहुत ही खुश, अलग ही नजारा। रजिंदर, मुझे जब भी शब्बीर आते हैं उनकी बैटिंग करने का जो स्टाइल है बहुत मजेदार लगता है। देखिए कैसे गेंद को पिक करते हैं, बड़े शॉट खेलते हैं और ऐसा लगता है कि बड़े शॉट के लिए जा नहीं रहे, मात्र टाइम करते हैं। और जैसे उनको छक्का मिला, फिलहाल 11 ओवर की समाप्ति 119/2। ग्यारह ओवर के बाद 119/2, आलूवालिया अभी 12 पे अभी भी आए हैं, पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए। यहाँ पे जो यामा बाइक है वो देखते ही दिल खुश हो जाता है, और युवा के लिए बनी हुई है, फैशन कॉन्शियस जो लड़के हैं लड़कियां हैं, और फिलहाल उसी स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए आलूवालिया। देखिए कैसे शॉट्स लगा रहे हैं, बेहतरीन शॉट पिछले ओवर में लगाया था जब बबल गेंदबाजी कर रहे थे, प्रयास भी किया था, पर ये कैचेस इतने आसान है रजिंदर। जी हाँ अजय, बिल्कुल आसान नहीं होता, एफर्ट जरूर था, लेकिन जैसे कहा जाता है क्रिकेट में, आप सीधा शॉट खेलिए तो आपको रन्स मिलेंगे। तो मुझे लगता है शब्बीर आलूवालिया वो भरपूर करते नजर आ रहे हैं, सीधा खेल रहे हैं और रन भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे शायद थोड़े से चोटिल हुए हैं फील्डर जब उन्होंने एफर्ट किया। फिलहाल नीचे चलते हैं जहाँ पे पॉपी है और देखते हैं उनके साथ कौन है इस बार। मैं थोड़े बले बले मूड में हूँ क्योंकि मेरे साथ एक ओनर आयुष्मान खुराना फ्रॉम पंजाब दे शेर। ये कैसे हुआ, ये टीम कैसे बनी, कैसे सोचा आपने पंजाब दे शेर के बारे में? कॉस पंजाब में एक स्पोर्ट जो है वो हॉकी और कबड्डी बहुत बहुत पॉपुलर है, लेकिन ऑफ कोर्स क्रिकेट भी बहुत पॉपुलर है, और हमारी टीम में बहुत पंजाब के शेर हैं, और सोनू सूद सबसे बड़े शेर हैं जो हमारे कैप्टन है टीम के, एंड नवराज सिंह आई थिंक ही इज अमेजिंग एज अ बैट्समैन। तो हमारी बैटिंग आई तो बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल अभी तो मुंबई काफ़ी पीट रही है हमें, बट आई एम श्योर हमारी बैटिंग आएगी, विल जस्ट हैव अ गुड लाफ। मुझे ये पूछा है कि आप क्यों नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि आप तो अंडर 19 में एक्चुअली खेलते थे ना? ऑफ कोर्स मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल अंडर 19 एज अ लेग स्पिनर एज एन ऑलराउंडर खेल चुका हूं, पर अभी मैं हमेशा प्रेजेंट नहीं होऊंगा अपनी टीम की परफॉर्मेंसेस के लिए। आई वाज नॉट देयर फॉर द प्रैक्टिस बिकॉज आई वाज बिजी विद माय इवेंट्स एंड शूट्स। तो आई गेस मैं मॉरली उनको सपोर्ट कर रहा हूं, उनको ब्लेसिंग ऑफ बिग लॉन्ग लाइफ दे रहा हूं। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। हमारे स्पॉन्सर हैं फेसिनो, उनके बारे में आप, जैसे फेसिनो इज एक्सट्रीमली फैशनेबल, हु डू यू थिंक इज द मोस्ट फैशनेबल प्लेयर इन योर टीम? आई थिंक सोनू सूद इज द मोस्ट फैशनेबल प्लेयर। उनको जर्सी पहनने की जरूरत नहीं है, बिना जर्सी के सिक्स पैक स्कोर कर दें तो वैसे ही फैशनेबल हो जाएंगे वो। एंड लाइक यू नो फेसिनो इज वेरी पॉपुलर अमंग्स यंगस्टर्स एंड वेरी फैशनेबल, हु डू यू थिंक इज योर फैशन आइकॉन? My fashion icon is Shah Rukh Khan. I think he's amazing. I studied mass comm because of him. I wanted to be an actor because of him.
and he's my fashion icon for sure. Nice. And if I give you an opportunity to ride Ficino, which is the most stylish city that you will take it to? Chandigarh. Chandigarh, Punjab. Sleep Punjab, they share Chandigarh. And Chandigarh is the most well-planned city in the country. La Corbusier, a French architect, he planned it. When we go to shoot, you will know that Chandigarh is such a beautiful place. Oh, fabulous. Chandigarh tourism ko promote kar rahe hain. Chandigarh wale Ayushman Khurana. Achha, ek baar aur bataiye, aapka most favorite pillion rider fashionable kaun ho? I think abhi Preeti Zinta aayi hui hai. So I think she'll be the most favorite pillion rider. Well, all the very best for your team. We'll be together because mere dimple hai, uske bhi dimple hai. So I think she'll be the best pillion rider. Aur Punjab team waise IPL mein support karti hai, to yahan pe Punjab team main co-owner hu, to I think it'll be good fun. Chaliye, hopefully Punjab ki balle balle ho jaye. Thank you very much. And back to you. यार ये आयुष्मान खुराना और रजिंदर राव जितनी बढ़िया आवाज है उतनी बातों में भी इनका दम है और बहुत ही बढ़िया बातचीत करते हुए पॉपी के साथ फिलहाल रन आते हुए मुंबई हीरोज के लिए एक रन और मिलता हुआ राजा भिरवानी को स्ट्राइक भी रिपीट कर रहे हैं बड़े शॉट्स भी लगा रहे हैं 12 ओवर की समाप्ति 129 पे 2 मुंबई हीरोज बड़े बड़े स्टार्स आए हुए हैं और शायद यही कारण है जो प्रोत्साहन मिल रहा है मुंबई हीरोज की टीम को एक अच्छी स्थिति में यहां पे 12 ओवर के बाद 129 पे 2 और तमाम लोग जो आए हुए हैं जो पार्ले क्राउड हम देख रहे हैं वो भी पूरा मजा लेता हुआ रजिंदर पार्ले क्राउड हर जगह यहां पर एंटरटेनमेंट 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 और मुंबई इस समय उनकी नाक आगे बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 129 पर 2 मुझे लगता है यहां से वो एक बड़ा टोटल जरूर बना सकते हैं 180 190 रन खड़ा कर सकते हैं जिससे पंजाब को तमाम मुश्किलें आ सकती हैं और ये प्रीति जिंटा जब प्रीति जिंटा का जिक्र होता है तो किंग्स 11 पंजाब का भी जिक्र होना चाहिए वो उसकी को ओनर हैं बहुत उत्साहित करती हैं अपनी टीम को बहुत अच्छी मोटिवेटर हैं मैं आईपीएल खेला हूं इनके साथ और ये खुद आके टीम मीटिंग में बहुत ज्यादा प्रोत्साहन करती हैं टीम का जो मनोबल है उसको बढ़ाती हैं तो मुझे लगता है क्रिकेट की आई थिंक बहुत बड़ी फैन है बड़ी एक्टर तो ये हैं ही या फिलहाल मुझे लगता है जो प्रोत्साहन बढ़ा रही है मुंबई हीरोज टीम का वो बिल्कुल झलक रहा है जिस प्रकार बल्लेबाजी कर रहे हैं दो ही विकेट गवाए एक भेतरी नींव रखी है भिरवानी एक बार फिर अच्छी लय में नजर आते हुए 29 से खेल रहे हैं और स्ट्राइक पे होंगे रॉय अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं लंबे कद के और इस बार फिर से उठा के खेला है खिलाड़ी या डीप में तैनात मात्र एक रन मिलेगा समस्या ये कि रन नहीं रुक रहे और अभी तक बहुत दिलचस्प भी है रजिंदर हमने ज्यादा स्पिनर्स नहीं देखे ज्यादा तेज गेंदबाजी पे भरोसा दिखाया है सोनू सूद ने अजय ये विकेट भी थोड़ा स्लो साइड पे है यहाँ पे स्पिनर्स को जरूर मदद मिलने वाली है लेकिन यहाँ पर शायद लगता है कहीं ना कहीं पंजाब के पास जो स्पिनर्स हैं वो कम हैं और रन भी रोकने होंगे विकेट्स भी निकालनी होंगी नहीं तो तमाम मुश्किलें हो सकती हैं पंजाब के लिए यहाँ पर ओ ये टाइट हो सकता था अगर ये डायरेक्ट हिट लगती है ओवर थ्रो का भी एक रन मिलेगा कुछ भी पंजाब के लिए समय ठीक नहीं हो रहा है विकेट लेना चाहते हैं एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन चीजें उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि ऐसा लगे कि पंजाब डोमिनेट करेगी इस मैच को राकेश जौली यहां पे कोच पंजाब के जरूर चाहेंगे विकेट मिले और ये जो ग्रुप आई थिंक इकट्ठा है बिल्कुल मुंबई का यूनाइटेड कैसे हैं ये दिखा रहे हैं प्रीति जिंटा सुनील शेट्टी बॉबी देओल स्टार्स ऑफ इंडिया और ये देखिए अगर डायरेक्ट लगती क्या लगता है अजय बिल्कुल रजिंदर देखिए जो डायरेक्ट हिट है हमने कई बार अंतरराष्ट्रीय लेवल पे देखा है हर लेवल पे देखा है बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि उतना वक्त मिल जाता है अगर डायरेक्ट हिट नहीं होती जब तक कीपर गेंद को कलेक्ट करता है बेल्स निकालता है उतना अधिक समय मिल जाता है और वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है राहुल देव जो आज नहीं खेल रहे हैं मैं इनसे बातचीत कर रहा था मेरे स्कूल के हैं राहुल देव भी और मुकुल देव भी और मुकाबले से पहले बातचीत कर रहा था और ये कह रहे थे कि टीम ने एकत्रित होकर काफी अभ्यास किया है पर ये पहला मुकाबला ये नहीं भूल रहा नई टीम है अभी भी प्रवेश हुआ है सीसीएल में अब पंजाब दे शेर दा और मुझे लगता थोड़ा वक्त लगेगा और मुंबई हीरोज अगर आप देखें यादव उन्होंने एक लंबा सफर तय किया है पिछले साल भी सेमीफाइनल में पहुंचे थे और जो उनकी जो बैटिंग क्रम है जो गेंदबाजी है उस स्तर में लगातार हर साल इंप्रूवमेंट होती रही है पंजाब का खेमा खुशी दिखती हुई यहां पर लेकिन वो जरूर चाहेंगे कि विकेट्स में ये खुशी बदले आयुष्मान खुराना कौन इनको नहीं जानता अच्छी गेंद क्या ये भारी किनारा लगा था अजय
प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा है शायद कुछ लगा है, भारी किनारा लगा है, क्योंकि गेंदबाज बब्बल यादव खुश नहीं थे। ये देखिए क्या घटा। हो पंजाब अगेन अनलकी। इस बार फिर से गैप में खेलने में सफल, रन आते हुए एक आध गेंद अच्छी, जो गेंद को आगे रख रहे हैं वहां पे आप थोड़ी सी मदद मिल रही है, पर बाहर से मुझे लग रहा है काफी चर्चा हो रही है कि अंदर क्या करना चाहिए, आसान नहीं रहता। 13 ओवर की समाप्ति 134 पे दो होंगे, क्योंकि जिस प्रकार मुंबई हीरोज की टीम बैटिंग कर रही है, जहां मुश्किलें नजर आती हुई पंजाब दशहर के लिए, वडोला इसके बाद उसका भानुशलाई, बॉबी देओल, जो आने वाले जो बैट्समैन अभी भी शेष है मुंबई हीरोज के लिए, एक लंबा बैटिंग क्रम है। भानुशली की बात करें, आप जबरदस्त फॉर्म में थे पिछले साल भी, और यहां पे बैट्समैन थोड़ा आश्चर्यचकित, क्योंकि दो टप्पे हुए थे विकेट पे, तो ये आसान नहीं रहता, और कुछ सवाल पूछा। ये बेहतर, अब ज्यादा गति नहीं है तो थोड़ा जोर लगाना होगा बैट्समैन को, और वही प्रयास करते हुए यहां पे अब आलूवालिया, पहले सोचा था रन लेने का। और ये स्क्रीन पर गुलजार इंदर सिंह चहल, जो अंडर 15 वर्ल्ड कप इंडियन टीम विनिंग टीम के मेंबर रह चुके हैं 1996 में, तो ये तो क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। गुरप्रीत कोगी बॉलिंग कर रहे हैं, अजय प्रैक्टिस करते रहते हैं चंडीगढ़ में, ये तो आज देखते हैं ये अपना क्या जौहर दिखाते हैं। सोहेल खान, अच्छी गेंद, हवा में थोड़ा स्लो कर रहे हैं, मुझे लगता है इसी की जरूरत है पंजाब को इस समय, जितना बॉल को स्लो रखेंगे एयर में उतना ही मुश्किल होगा बल्लेबाज के लिए खेलने के लिए। लेकिन यहां पे एक बड़ी गलती, फील्डिंग में आपको बहुत चौकन्ना रहना होगा, और पंजाब ने आज शायद अच्छी फील्डिंग नहीं की है, जिसका उनको भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। और नवराज, एक अच्छे ऑलराउंडर, शायद इतने खुश नहीं होंगे इस समय अपनी टीम के प्रदर्शन से। और ये देखिए कैसे थ्रो किया गया, और कोगी ने यहाँ पे बिल्कुल ही मिस कर दिया, शायद आंखें हटा ली बॉल से, और एक आसान रन मिला, 6 रन, लंबा छक्का, रन्स बढ़ते हुए समय मुंबई के लिए, और पंजाब के लिए तमाम मुश्किलें। प्रीति जिंटा बहुत ही खुश, और क्यों ना हो, उनकी टीम जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है यहाँ पर। देखिए कोई भी मौका वो गवा नहीं रहे, जब मौका मिल रहा है उसका लाभ उठा रहे हैं, बड़े शॉट लगा रहे हैं। उससे पहले हमने देखा ओवर थ्रोस के कारण एक रन मिला, पर इस बार बड़े शॉट के लिए गए शब्बीर, और बहुत बढ़िया मिडिल करते हैं, ये उनकी ताकत है, अच्छे स्ट्राइकर है। जब गेंद उनके बल्ले के बीचों बीच आ जाती है, अब मान लीजिए कि सीमा रेखा के बाहर ही जाएगी, और क्या ये हिट, और फिर से मिसफील्ड, इस बार लॉन्ग ऑफ पे 4 रन और आते हुए, भुग्गी भी है थोड़े परेशान नजर आते हुए, हताश नजर आते हुए, ये सोच रहे कि मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूं, एक ही रन होना चाहिए था, पर 4 रन जाते हुए। फील्डिंग तो आपको अच्छी करनी ही होगी, नहीं तो मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। और इंटरनेशनल क्रिकेट की हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया टूर की बात करते हैं, वहां पे भारतीय टीम इतनी अच्छी फील्डिंग नहीं कर रही है, और यहां पे पंजाब भी इतनी अच्छी फील्डिंग नहीं कर रही है, परेशान होंगे कोगी इस समय। और ये देखिए, आई थिंक दिस इज कार्डिनल सिन, खेल दिया है कवर की दिशा में, एक ही रन मिलेगा, और 148 पर 2 विकेट। 14 ओवर के बाद 148 पे 2, अब मुंबई हीरोज बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म उनके लिए है। शब्बीर आलूवालिया एक चट्टान की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं मुंबई के लिए, बिग हीव, लेकिन बदकिस्मती सिर्फ एक ही रन मिलेगा शब्बीर को, शानदार बल्लेबाजी करें, थोड़ा सा बॉल छोटा होता है उसको ताबातोड़ तरीके से मारते हैं, लेकिन इस समय सिर्फ उनको एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यह भी है रजिंदर की, जो लेंथ है गेंद की उसको बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, पोजीशन में आ जाते हैं। देखिए जब स्लॉट में गेंद है, उनके रडार में गेंद है, तो फिर वो मौका गवाएंगे नहीं। इस बार गेंद ऑस्टन के बाहर, सब कुछ ठीक था, डॉट बॉल हो सकती थी, पर कीपर फंबल करता हुआ, और ये कारण एक रन और मिला, तो रन नहीं रुक रहे हैं, रन भी नहीं रुक रहे हैं, और फील्डिंग भी इतनी अच्छी नहीं हो रही है, और मुंबई का खेमा बहुत ही खुश, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है इस समय
मुंबई ने बल्लेबाजी शानदार करते हुए आलूवालिया भिरवानी क्रीज पर खड़े हैं और ये देखिए 150 पर दो साझेदारियां पर साझेदारी। जी हाँ बिल्कुल, और ये समस्या है कि अब रन रोकने बहुत कठिन है। इस बार ये देखिए स्लॉग ऑन साइड पे और 4 रन और मिलते हुए कोहली की माफिक गेंद जाती हुई, इसको रोकना बहुत ही कठिन। 150 रन भी पूरे हुए मुंबई हीरोज की टीम के, और कहां पे गेंद लैंड हुई, क्या ये 6 रन है या 4 रन है, ये अब जो एम्पायर ऑन फील्ड वो भी शायद संकेत कर रहे हैं, थर्ड एम्पायर को वो भी देखना चाहते हैं कि गेंद ने टप्पा कहां खाया, क्योंकि बिल्कुल पैरेलल शॉट थी। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये 4 है या 6, लेकिन शबीर आलूवालिया इज ऑन कार्नेज, जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये देखिए एक्शन रीप्ले, यहां पर थोड़ा सा छोटा गेंद था, लगता है 4 रन दिए जाएंगे, मुश्किल यहां से कहना। शबीर आलूवालिया बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, जरूरी होगा पंजाब के लिए कि उनको जल्द से जल्द आउट करना। और ये हम दोबारा यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि 4 है 6, मुश्किल होगा यहाँ पे अंपायर के लिए। कई बार आसान नहीं होता बिल्कुल, और ये वही दृश्य यहां पर, और अंपायर ने जी हाँ सही इशारा, 4 रन। ऐसा लगा कहीं ना कहीं अब टप्पा पहले गिरा है सीमा रेखा से और यही कारण 4 रन मिलता हुआ। यामा की जो बाइक है वो देखते ही मजा आ जाता है, यामा फेसिनो, और इस बार उठा के खेला ऑन साइड में, एक बार फिर 6 रन और मिलते हुए मैक्सिमम। आज ऐसा लग रहा है आलूवालिया को रोकना बहुत कठिन है, और जिस पोजीशन को भेजा गया है मुझे लगता है रजिंदर लाइसेंस भी था कि आप बड़े शॉट खेलिए, नजाकत भी थी या मौका भी था, और उसका लाभ उठाते हुए यहां पे शबीर आलूवालिया, जबरदस्त शॉट अजय। शायद लगता है शबीर आलूवालिया आईपीएल तो नहीं खेलना चाहते, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, सीधा खेल रहे हैं, अननेसेसरी रिस्क नहीं ले रहे हैं, और जब सीधा खेलते हैं तो रिस्क फैक्टर बिल्कुल कम हो जाता है, और ये होता है जो शबीर कर दिखा रहे हैं बार बार यहां पर। और ये मैंने पहली बार ही देखा ऐसे बैटिंग उनको करते हुए, ये अक्सर वो करते हैं, ये साझेदारी 55 रनों की 29 गेंदों में फिर से उसी क्षेत्र में लगभग ऑन साइड पे खेलते हुए। इस बार संपर्क इतना बढ़िया नहीं, पर फिर भी अब 1 रन और मिलेगा शबीर आलूवालिया को, और स्कोर आप देखिए 15वां ओवर प्रगति पर और 161 रन बोर्ड पे बन चुके हैं। आपको विकेट जोन निकालने ही होंगे, आयुष्मान यहाँ पे खड़े हैं, जरूर आपस में बात चल रही होगी देव की भी आयुष्मान की भी, कैसे विकेट लिया जाए। इस बार ऑफ साइड पे राजा भी अच्छा कार्य करते हुए, अच्छा साथ देते हुए अब शब्बीर का, 15 ओवर की समाप्ति, 162 पे 2 मुंबई हीरोज़।